M.Sc. Food Science and Technology Multiple Choice Questions 2017 Part 3. 80. Which of the following is not a biopesticide? इसमें बायोनीम, बायोलेप और डाइपेल, ये तीनों बायोपेस्टिसाइड हैं. कार्बारिल कार्बारिल केमिकल पेस्टिसाइड है. 81. Which of the following is a phenolic factor present in onion having antifungal property? तो ओनियन में प्रेजेंट होने वाला वो फिनोलिक फैक्टर कैटकॉल है. ऑप्शन टू. 82. मेजर पेस्ट ऑफ पोटैटो ड्यूरिंग स्टोरेजेस, यानी कि स्टोरेज के दौरान पोटैटो का जो मेजर पेस्ट है वो है पोटैटो ट्यूबर मॉथ. ऑप्शन फोर. 83. विच विटामिन इज कॉल्ड कोगुलेटिंग विटामिन, ये है विटामिन के, क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है. 84. द पेस्ट विच अटैक्स द पल्सेस बोथ इन फील्ड एंड एट स्टोरेज, तो वो पेस्ट है पल्स बीटल, ये खेतों में भी इन्फेक्ट करता है और स्टोरेज के दौरान भी इन्फेक्ट करता है. 85. द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हु कलेक्टेड एंड आइडेंटिफाइड फंजाई इन इंडिया, यानी कि इंडिया में फंजाई पे सबसे पहले जो रिसर्च है वो के कीर्ति करने की थी, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू. 86. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सिंथेसाइज प्रोटीन बाय इट्स ओन एंजाइम्स, इसमें जो वायरसेस हैं वो खुद से प्रोटीन के सिंथेसिस नहीं कर सकते, उनको एक होस्ट की ज़रूरत होती है. 87. मैड काउ डिजीज इज कॉज्ड बाय, मैड काउ डिजीज प्रायन से होती है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू. 88. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय अलाइजा, अलाइजा से वायरॉइड्स नहीं देखे जा सकते, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री. 89. द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज, इन सब में कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, आयनिक हाइड्रोजन और वॉन्डरवॉल इतने स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होते. 90. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज, ये है 80 कैलोरी, ऑप्शन थ्री. क्वेश्चन 91. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिशिएंट इन राइस ग्रेन, राइस में लाइसीन नहीं होता, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन. 92. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स विच ऑफन रिलीजेज एनर्जी इज नोन एज, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना जिससे एनर्जी रिलीज हो, इस प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म कहते हैं, ऑप्शन टू. 93. द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज, विजिबल रीजन जो होता है वो 390 टू 760 नैनोमीटर में होता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री. 94. द मोस्ट डेंजरस गैस फॉर डिप्लीजन ऑफ ओजोन लेयर इज, यानी कि वो गैस जो ओजोन लेयर को तोड़ती है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर्स में यूज होते हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू. 95. अमंग द फॉलोइंग विच हैज एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो टोकोफेरॉल होते हैं, विटामिन ई, ऑप्शन टू. 96. रेस्पिरेटरी कोशेंट RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज अप्रॉक्सीमेटली, रेस्पिरेटरी कोशेंट कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2. 97. द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, ग्लाइकोलिसिस में एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से दो मॉलिक्यूल पायरवेट या पायरविक एसिड के बनते हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. 98. क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूसेस, क्रेब्स साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल में 30 ATP बनता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. 99. सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ, सेलुलोज जो है वो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, जिसमें ग्लूकोज के जो यूनिट्स हैं वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़े हुए होते हैं. 100. ग्रीन हाउस गैस फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज, यानी कि वो ग्रीन हाउस गैस जो ग्लोबल वार्मिंग करती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 4. 101. यूनिट ऑफ प्रेशर इन SI सिस्टम इज, यूनिट ऑफ प्रेशर है पास्कल, ऑप्शन 3. 102. कोकोनट फैट इज अ रिच सोर्स ऑफ, कोकोनट फैट में लॉरिक एसिड सबसे ज्यादा होती है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. 103. टेम्परेचर ऑफ LT पास्चराइजेशन इज, वो है 61 टू 63 डिग्री टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन 1. LT का मतलब होता है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, यानी कि कम समय पे ज्यादा मिनट तक. 104. रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, रिकेट्स जो होती है बीमारी
वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू. 105 मिल्क शुगर इज, मिल्क में जो शुगर पाई जाती है वो है लैक्टोज. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन. 106 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ फिश. तो सबसे ज़्यादा मछली का जो उत्पादन होता है वो वेस्ट बंगाल में होता है, ऑप्शन वन. 107 एग शेल इज मेड अप ऑफ, जो एग की शेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री. 108 द क्वालिटी ऑफ मिल्क कैन बी जज्ड बाय, क्वालिटी ऑफ एग जो है वो कैंडलिंग से जज की जाती है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन. 109 वाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, वाइट रिवोल्यूशन जो है वो दूध उत्पादन मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू. 110 येलो कलर ऑफ एग इज ड्यू टू, एग का जो पीला कलर होता है वो जैंथोफिल की प्रेजेंस की वजह से होता है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर. 111 हार्मोन ऑफ मिल्क सिक्रीशन इज, यानी कि वो हार्मोन जो मिल्क सिक्रीशन प्रमोट करता है वो है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन थ्री. 112 क्रूड फाइबर कंटेंट इन रफेज इज अप्रॉक्सीमेटली, रफेज का क्रूड फाइबर कंटेंट है 18-20%, ऑप्शन वन. 113 एंजाइम कोगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट इज, यानी कि वो मिल्क प्रोडक्ट जिसमें एंजाइम्स के थ्रू मिल्क को कोगुलेट किया जाता है वो है चीज, ऑप्शन थ्री. 114 लैक्टिक एसिड कंटेंट ऑफ फ्रेश काउ मिल्क इज, फ्रेश काउ मिल्क में लैक्टिक एसिड का कंटेंट 0.1% होता है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन. 115 पीएच ऑफ फ्रेश बफेलो मिल्क इज, ताज़े भैंस के दूध का पीएच जो होता है वो 6.6 होता है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री. 116 विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन रिमेन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑन हीट ट्रीटमेंट ऑफ मिल्क, तो जो विटामिन ए है वो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन. 117 एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन एंड रिलैक्सिन आर सिक्रीटेड फ्रॉम, ये तीनों हॉर्मोन्स ओवरी से सिक्रीट होते हैं. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन. 118 हॉर्मोन सिक्रीटेड फ्रॉम पैनक्रियाज दैट लोअर डाउन्स द ब्लड शुगर लेवल इज, तो ये हॉर्मोन है इंसुलिन. इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है. 119 आउट ऑफ टोटल बॉडी कैल्शियम बोन एंड टीथ हैव, यानी कि हमारे बॉडी में जितना भी कैल्शियम है उसमें से बोन और टीथ में उसका 99% कैल्शियम होता है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर. 120 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज, इसमें जो रिंडर पेस्ट है वो बैक्टीरियल डिजीज नहीं है. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वन.